नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करी पत्ते के बेनिफिट्स के बारे में। करी पत्ता जो कि हमारे किचन का एक साधारण सा अंग है, उसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं और काफ़ी लाभकारी है हमारे शरीर के लिए। ये कई रोगों का इलाज भी है, तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। जानकारी के लिए देखिए पूरा वीडियो। जो भी मेरे नए व्यूअर्स हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि कृपया सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और आपको सबसे पहले अपडेट मिलेगा हमारे वीडियो को लेकर। करी पत्ता में कई प्रकार के औषधीय गुण होते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इसे मीठी नीम के नाम से भी जाना जाता है। इसका ज़्यादातर प्रयोग दक्षिण भारत में किया जाता था, लेकिन आजकल यह हर रसोई में प्रयोग होता है। मीठी नीम का प्रयोग भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। करी पत्ता हमारे खाने का स्वाद तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ हमारे शरीर के कई प्रकार की बीमारियों को भी दूर करता है। इसमें लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस और कई प्रकार के विटामिन होते हैं जो शरीर को एनीमिया, हाई बीपी, मधुमेह आदि रोगों से बचाता है। इसके अलावा इसमें और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। अब हम जानते हैं कि करी पत्ता हमारे बालों के लिए कैसे उपयोगी है। करी पत्ता हमारे बालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसके प्रयोग से हमारे बालों को मजबूती मिलती है, बाल काले होते हैं, झड़ने से रुकते हैं, साथ ही साथ डैंड्रफ का जो मात्रा है वो भी कम होता है। करी पत्तों से हेयर टॉनिक बनाने के लिए पहले इन पत्तों को उबाल लें। जब वो पानी में घुल जाए और पानी का रंग हरा हो जाए तो इस टॉनिक को 15 से 20 मिनट तक अपने सर पर लगाएं। हफ्ते में दो बार इससे बालों का मसाज करें तो बालों को काफ़ी फायदा होता है। इसके अलावा आधा कप करी पत्ते को दही के साथ पीस लें और उसके मिश्रण को बालों पर लगाएं तो कुछ मिनट बाद ही इसका असर धीरे धीरे दिखने लगता है। करी पत्ते से वजन भी कम होता है। इसमें मौजूद फाइबर की मात्रा हमारे शरीर में जमा अतिरिक्त जो चर्बी है उसे निकालने में मदद करता है। और हर दिन अगर हम करी पत्ता खाएंगे तो हमारा वजन भी कम होगा, साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी कम होगी। इसलिए अगली बार आप इसे अपने प्लेट में छोड़ कर ना जाएं, बल्कि चबा कर खाएं, ताकि अगर आपके पास वजन आपका ज़्यादा है तो वो कम हो जाए। करी पत्ता हमारे स्किन के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। पुराने समय में चेहरे की चमक को बढ़ाने के लिए मीठी नीम का उपयोग किया जाता था। इसके इस्तेमाल के लिए पहले इसका फेस पैक बना लें, फिर चेहरे पर लगाएं। ये चेहरों की समस्याएं जैसे रूखापन, पिंपल, मुहासे जैसी चीज़ों को दूर करने में मदद करता है। इसका फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले मीठी नीम को सुखा लें, फिर उसे पीसकर पाउडर बना लें। अब इसमें गुलाब जल, नारियल तेल और थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी मिलाइए। इस मिश्रण को अपने चेहरे पर 20 मिनट तक लगाएं, फिर ठंडे पानी से धो लें। ऐसे करने से आपके चेहरे में ग्लो आएगा और चेहरे की जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। करी पत्ता दिल की बीमारियों से भी दूर करता है। हमारे शरीर के ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में ये काफ़ी सहायता देता है, जिससे हमारे दिल की बीमारियां दूर होती है। शायद आप जानते हैं कि शरीर में ऑक्सीडेटिव कोलेस्ट्रॉल खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे हार्ट अटैक का भी खतरा बढ़ जाता है। करी पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट के गुण होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल का ऑक्सीकरण होने से रोक देते हैं और हार्ट अटैक की जो संभावना है उसे दूर करता है। इस तरह यह हमें दिल से जुड़ी हुई परेशानियों को भी दूर करने में मदद करता है। अब जानते हैं इसके अगले फायदे के बारे में। करी पत्ता एनीमिया बीमारी को दूर करने में भी फायदेमंद है। एनीमिया शरीर में सिर्फ खून की कमी के कारण नहीं होता, बल्कि जब शरीर में आयरन को सोखने और इसका सही तरीके से इस्तेमाल करने की शक्ति कम हो जाती है तब भी होता है। इस रोग से निजात पाने के लिए यह बहुत फायदेमंद है। इसमें आयरन और फोलिक एसिड बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। हमारे शरीर में फोलिक एसिड और आयरन को सोखने में यह मदद करता है और खून में इसकी कमी को पूरा करता है। इसलिए यदि आप एनीमिया से पीड़ित हो तो एक खजूर और 3 करी पत्तों को रोजाना सुबह खाली पेट के साथ खाएं, आप में आयरन का स्तर बढ़ेगा और इसका खतरा कम हो जाएगा। करी पत्ता
मधुमेह की बीमारी को भी दूर करने में मदद करता है। इसमें कई प्रकार के एंटी डायबिटिक एजेंट होते हैं जो हमारे शरीर में इंसुलिन की गतिविधि को प्रभावित कर ब्लड से शुगर के स्तर को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद फाइबर की मात्रा से भी शुगर से ग्रस्त रोगियों के लिए फायदेमंद होती है। इसलिए रोजाना सुबह खाली पेट करी पत्ते का सेवन करना शुरू करें और पाएं डायबिटीज से निजात, क्योंकि ये काफ़ी फायदेमंद है और डायबिटीज दूर करने में भी मदद पहुंचाता है। कढ़ी पत्ता दस्त में भी फायदेमंद है। इसमें मौजूद कार्बोजोल की वजह से इसमें एंटीबैक्टीरियल और सूजन को कम करने के गुण पाए जाते हैं, जो हमारे पेट के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके सेवन के लिए कढ़ी पत्तों को पीसकर इसके रस को छाछ के साथ दिन में 2 से 3 बार पिए, आपको जल्द ही दस्त में आराम मिल जाएगा। यदि आप भी खाने के स्वाद के साथ साथ अपने शरीर को स्वस्थ, बालों और त्वचा की देखभाल करना चाहते हैं तो आज से ही आहार में करी पत्ते का इस्तेमाल शुरू कीजिए। ये सच में एक औषधि है और जिसके बारे में हमें कम मालूम होता है, लेकिन हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद है। कई सारे लोगों के इलाज भी करता है, साथ ही साथ हमारे खाने की जो गुणवत्ता है, जो टेस्टीपन है, उसे भी बढ़ाने में मदद करता है। दोस्तों, करी पत्ते की कई सारे ऐसे गुण हैं जिनके बारे में हमें नहीं मालूम थे, जो कि काफ़ी फायदेमंद हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करेगा फ्यूचर में ऐसे वीडियो बनाने के लिए और आपको समय समय पर जानकारी देने के लिए। करी पत्ते से काफ़ी फायदे हैं और जिसके बारे में हमने इस वीडियो में जाना। धन्यवाद दोस्तों। Please like and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates from time to time. Like and share the video, comment in comment box. Subscribe the channel.